हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन गट्टे की ये बहुत ही यम्मी सब्जी। इसे मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब बिना कोई देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन गट्टे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी बेसन, जो कि लगभग 200 ग्राम है। आपके तो यहाँ बेसन थोड़ा सा मोटा ले, इससे कि आपके बेसन गट्टे बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हम बेसन में डालेंगे एक चम्मच नमक। अलग प्लेट हम ले लेंगे यहाँ पर, और उसके अंदर भी हम लेंगे एक छोटी चम्मच नमक। हम यहाँ पर ये ग्रेवी मसाले के लिए कर रहे हैं अलग प्लेट में। बेसन के अंदर डालेंगे हम आधी चम्मच मिर्ची, और एक चम्मच मिर्ची हम इस अलग प्लेट में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, और प्लेट में डालेंगे हम एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर, एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर बेसन के अंदर, और एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर प्लेट के अंदर हमारे मसाले के लिए। अब हम इसमें डालेंगे एक तिहाई चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप यहाँ पर गरम मसाला थोड़ा बढ़ा सकते हैं आधी चम्मच, और एक तिहाई गरम मसाला पाउडर हम इस प्लेट में डालेंगे। आधी चम्मच अजवाइन ली है मैंने, इसको इस तरह से हाथ से क्रश करते हुए हमें सिर्फ बेसन के अंदर डालना है। और आधी चम्मच ही मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, इसे भी हल्के हाथों से क्रश करते हुए बेसन के अंदर डालना है। ये दोनों चीज़ें अभी हमें मसाले के अंदर नहीं डालनी है। यहाँ पर मैंने लिया है एक तिहाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा आधा हम दोनों में डाल देंगे। आप यहाँ पर काली मिर्च पाउडर भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम बेसन के अंदर मोयन के लिए डालेंगे लगभग 2 चम्मच तेल। हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, वरना हमारे बेसन गट्टे जो है वो बिखर सकते हैं। ये लगभग छोटी 2 से 3 चम्मच ऑयल है। अब हम बेसन के अंदर ऑयल को और सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे कि हम मैदा तैयार करते हैं मोयन वाला, सेम उसी तरीके से अच्छे से मसल मसल कर हमें ऑयल को बेसन के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक डो रेडी करेंगे। हमें यहाँ पर डो बहुत टाइट नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप बेसन गट्टे बनाते हैं तब बनाते बनाते हमारा डो इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि बेसन गट्टे बन नहीं पाते हैं और वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है हमारा बेसन। इसलिए हमें इस जगह पर डो को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी हार्ड होने लगता है। जैसा कि हम रोटी का आटा लगाते हैं, सेम वैसा ही आपको डो रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप देख सकते हैं कि हमारा डो जो है वो बिल्कुल भी प्लेट में नहीं चिपक रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर मोयन डाला है। अब हम अच्छा स्मूथ डो बना लेंगे, इसको थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब हम डो को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आप ये काम थोड़ा फास्ट करें, क्योंकि हमारा बेसन बहुत जल्दी हार्ड होने लगता है। अब हम 3 पार्ट को एक अलग प्लेट में रख देंगे, और 1 पार्ट को इस तरह से हथेली से प्रेस करते हुए रोल करेंगे। जिस तरह से पिंगल होती है उतने ही पतला आपको उसको बेलना है, बेसन को रोल करना है मींस। ये देखिए इसकी मोटाई, ये बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा इसका शेप बैलेंस कर लेते हैं इस तरह से हथेली से प्रेस करते हुए। एक जैसा शेप होना चाहिए इसका। अब हम नाइफ की हेल्प से इसके दोनों पॉइंट्स को कट कर लेंगे। उसके बाद हम इक्वल साइज़ के इसके पीसेस कट करेंगे। अब हम बाकी के बेसन गट्टे भी इसी तरह से बना लेंगे, जो 3 पार्ट हमने रखे हुए थे, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई और लंबाई, शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं।
ये देखिए मैंने सारे बेसन कट्टे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे और मैं यहाँ पर ग्रेवी के लिए आपको सामान बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक से दो हरी मिर्च बारीक काट ली है, एक टमाटर लिया इसे बारीक काट लिया है, एक प्याज और 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ली है। इनको मैंने रफली कट किया है प्याज को। अब हम प्याज और लहसुन को चॉपर में चॉप कर लेंगे। हमें इसे मिक्सर में नहीं पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इसे चॉप करना है। आपके पास जो भी चॉपर मशीन हो आप उसमें कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल, जो कि छोटी लगभग 6 से 7 चम्मच ऑयल है। आप एक बार आइडिया लगा सकते हैं हमारे ऑयल को देखकर। हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये बेसन कट्टे जो कि अभी हमने बनाकर रेडी किए हैं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हमें ये बेसन कट्टे डालना है और मुश्किल से 2 से 3 मिनट इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जैसे इसके ऊपर येलो कलर की कोटिंग नज़र आने लगेगी सारे बेसन कट्टों के ऊपर, और हम इन्हें जल्दी से निकाल लेंगे। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए इसके ऊपर येलो कलर की कोटिंग आ गई है, काफ़ी सुंदर कलर आया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हमने गैस ऑफ नहीं किया है, सिर्फ फ्लेम को लो किया है। अब हम बेसन गट्टे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसी कढ़ाई के अंदर डालेंगे ये आधा चम्मच राई और जीरा और एक तेजपान का पत्ता। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे क्योंकि हमने लो किया हुआ था। हमने इसके अंदर और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है, हमने उसी ऑयल के अंदर ये सारे सामान डाले हैं। हमें और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगेगा, ये इनफ है जो कि हमने बेसन गट्टे फ्राई करने के लिए लिया था। जैसे ही हमारे लहसुन और प्याज सुनहरे हो जाते हैं, कच्चापन उनका निकल जाता है, हम उसके अंदर डाल देंगे ये टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे, इससे कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इस तरह से चम्मच को उल्टा करके थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छे से इनको मैश कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये सारे सूखे मसाले जो कि हमने बेसन गट्टे बनाते टाइम एक प्लेट में निकाले थे अलग। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लगभग आधा कप के करीब पानी, जिससे कि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छे से हिला लिया है। आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है, सारा ऑयल सरफेस पर आ चुका है, यही इसके पकने की पहचान होती है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही। दही डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम इस टाइम पर बिल्कुल लो होना चाहिए, वरना हमारी ग्रेवी फटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दही हमें बिल्कुल फ्रेश लेना है और 2 से 3 चम्मच लेना है, और अच्छी तरह से फेंट कर हमें मसाले के अंदर डालना है। इस बात का आप खास ध्यान रखें, दही डालते टाइम आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और दही रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। बिल्कुल ठंडा दही आप ग्रेवी के अंदर ना डालें। अब हम इसे भी 2 मिनट पकने देंगे। ये देखिए दही डालने के बाद वापस हमारा ऑयल सरफेस पर आ चुका है, मतलब ये भी बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये बेसन गट्टे जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अब हम इन सबको मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लगभग 1.5 ग्लास पानी। ये देखिए मैंने इसके अंदर 1.5 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम हाई करके लगभग 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। हमें इसे अब हाई फ्लेम पर ही पकाना है ढक्कन लगाकर। ये देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं हमारे बेसन गट्टों को हाई फ्लेम पर पकते हुए।
आप देख सकते हैं इसका पानी जो है आधे से भी ज़्यादा टूट चुका है। अब हम एक बार बेसन गट्टे को चेक भी कर लेंगे कि अच्छे से पका है या नहीं। ये देखिए हमारा बेसन गट्टा इजीली नाइफ की हेल्प से कट गया है, टूट गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे बेसन गट्टे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अब हम धनिया को सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमें इतना पानी रखना है सब्जी के अंदर, हमें इसका पानी सारा ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में हमारी सब्ज़ी काफ़ी ड्राई होने लगेगी, इसलिए हमें स्टार्टिंग में इसे ड्राई नहीं करना है। ये देखिए हमारी सब्जी को बनने हुए 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी पहले से कितनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में उसमें इतना पानी छोड़ा था। क्योंकि अगर 15 से 20 मिनट बाद कोई खाना खाता है तो सब्ज़ी बिल्कुल ड्राई हो जाती, सूख जाती है, इसलिए हमें थोड़ा सा पानी उस टाइम पर रखना है। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी का टेक्सचर कितना अच्छा है, कितनी यम्मी लग रही है हमारी सब्ज़ी। प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस सब्जी को गर्मा गर्म पूड़ी या गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। पूड़ी के साथ भी इस सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।